बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक के हवाले से आपके पास जो कि हमने रिवाइज करने थे टॉपिक, कोरिलेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और कोरिलेशन के अंदर फर्स्ट वैल्यूज और चैप्टर आपके पास नॉमिनेटेड है प्राइस एंड वैल्यूज के हिसाब से। आपके पास डाटा नॉमिनेट कर दिया जाता है एक्स और वाई के। अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा दो तरह का आपके पास दे दिया गया है। सबसे पहले एक्स दे दिया गया है, उसके बाद वाई की वैल्यूज दे दी गई है। एक्स और वाई की वैल्यूज आपने फार्मूला ड्राफ्ट करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर। दोबारा से स्टेप्स बता रहा हूँ कि समेशन एक्स ओवर एन। अनग्रुप डाटा में सबसे पहले आप समेशन एक्स ओवर एन एक्स का कैलकुलेट करेंगे और इसको वाई से एक्सपोज कर लेंगे, समेशन वाई ओवर एन। देन आपने एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है और वाई माइनस y बार कैलकुलेट करना है। देन n जर्ब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जर्ब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है। और सेम उसी तरीके से फिर आपने लाइन ऑफ रिग्रेशन कैलकुलेट करना है। कोरिलेशन का आंसर जो आपके पास प्रूफ होता है, वेल प्रूफ मींस कि कोरिलेशन का आंसर आपके पास दो टाइप्स या दो कैटेगरीज में आएगा, 0.9 माइनस का 0.9 या फिर 0.8 या माइनस का 0.85। ये आपके टेबल है कोरिलेशन की, जिससे पता चलता है कि आपका कोरिलेशन सही है। कोरिलेशन शुड ऑलवेज बी 0.something, 0.9, 0.8, 0.-95 इज लाइक दिस वन। आफ्टर दिस कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट करते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन को कैलकुलेट करने की टू टाइप्स हैं, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक्स और वाई हमने कैलकुलेट करने हैं एक्स माइनस एक्स बार से। सबसे पहले हम एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कोरिलेशन का आंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का आंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का आंस इनटू वाई माइनस वाई बार। इसको वेल प्रूफ दे सकते हैं किसके जवाब से, कोरिलेशन के जवाब से, जो कि 0.9 आंस आएगा। आपने उसी के जवाब से अपने लाइन ऑफ रिग्रेशन के जवाब को वेल प्रूफ देना होता है। ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हैं आपके बुक में, आपके असाइनमेंट में, जिनको हमने यके बाद डिग्री वेल के तरीके से सॉल्व किया था और इनको हम रिपीट कर रहे हैं। आई थिंक कि आप इन तमाम क्वेश्चन को एक दफ़ा एज असाइनमेंट करके सबमिट करवाएंगे। डे बाई डे वन क्वेश्चन वन असाइनमेंट में आपको इंशाल्लाह इसी तरीके से सेंड करता रहूँगा। ये आपकी पहली असाइनमेंट है लाइन ऑफ रिग्रेशन के लिहाज से, ये आपका पहला क्वेश्चन और पहली असाइनमेंट है जो कि आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आंसर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोरिलेशन का आंसर जो है वो आपके पास माइनस का 0.9 या 0.95 आएगा, जिसको आपने लाइन ऑफ रिग्रेशन के अंदर पुट करके सॉल्व करना होगा। आई थिंक आप इसको आसानी हल कर लेंगे और वक्त के लिहाज से अपने वर्क को जमा करवा के देंगे। थैंक्स, सेकंड ईयर, अल्लाह हाफिज़।